लाइव देख रहे हैं आप बीएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा तो राजनीतिक रूप ले चुका है जी। यह कहने के लिए तो यह छात्रों का परीक्षा था, लेकिन जो तरह से राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर है, उसकी वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। विडंबना ये है कि छात्रों के साथ साथ खुद महागठबंधन में शामिल पार्टियां भी नीतीश कुमार पर परीक्षा को रद्द करने का दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि इसका जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो चुका था, और उसके बाद से ही ये दबाव बनाया जा रहा है कि एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाए। आपको बता दें कि बीएसएससी तृतीय स्नातक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 23 दिसंबर को ही आयोग ने मान लिया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इसके सबूत भी मिले थे, आपको बताते हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। और इसकी जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को उसी दिन दे दी गई थी। वहीं अब छात्रों और एक्सपर्ट की मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए। देखिए, छात्र के साथ एक्सपर्ट्स भी यही मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द की जाए। इसके पीछे वजह है, वो वजह है प्रश्न पत्र लीक हो चुका था, एग्जाम्स से पहले व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो चुका था, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। हालांकि अभी तक परीक्षा रद्द करने की घोषणा नहीं की गई। देखिए, आप खबर को ध्यान से सुनिएगा, अभी सिर्फ मांग की जा रही है, घोषणा नहीं हुई है। दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर ही नीतीश तेजस्वी सरकार गिरते नजर आ रही है। बता दें कि महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने मांग कर दी है कि परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और फिर से लेनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि जब ये बात साफ हो गई है कि बीएसएससी के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं, अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और लीक करने के सबूत भी मिल गए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे में आदर्श स्थिति यही है कि इस परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब तक रद्द हो जाना चाहिए था ये परीक्षा। उन्होंने कहा कि जिस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाए, आरोपी पकड़ा जाए, सबूत भी मिल गया हो, उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि परीक्षा के बाद की हमने सही रिजल्ट जारी की है। बात तो सही है, जिस परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो गया हो तो फिर उस परीक्षा का रिजल्ट सही कैसे जारी हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। ये ऐसा कोई कैसे कह सकता है। इसके साथ ही माले के राज्य सचिव कुणाल ने भी कहा है कि छात्रों की और एक्सपर्ट्स की राय सही है, और माले भी यही मांग कर रहा है कि बीएसएससी तृतीय स्नातक की परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और फिर से परीक्षा कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हद है, बिहार में लगातार ऐसा हो रहा है। जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भैया हद है, बिहार में लगातार ऐसा हो रहा है। माले नेता ने कहा कि बीपीएससी 67वीं पीटी के परीक्षा में भी यही हुआ, तब परीक्षा रद्द कर देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि बीएसएससी की परीक्षा को भी रद्द कर देना चाहिए। वैसे माले के विधायक संदीप सौरभ ने पहले ही मांग कर दी थी कि प्रतियोगिता परीक्षा लेने वाले आयोगों में पदाधिकारी और कर्मचारी 3 साल से ज्यादा समय तक पद स्थापित नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस पर आरोप लगे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह बीएसएससी परीक्षा को लेकर नीतीश और तेजस्वी की सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हाँ, परीक्षा जो है वो छात्रों का था, लेकिन घिरते इसमें सरकार इसमें घिरती नजर आ रही है, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वैसे जिस तरह से कांग्रेस और माले ने बीएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार के अगले कदम का सभी को इंतजार रहेगा कि आखिर अगला कदम होता क्या है। मांग तो उठ रही है कि परीक्षा रद्द करनी चाहिए, एग्जाम दोबारा लेना चाहिए, लेकिन घोषणा क्या होता है, इस पर एक्शन क्या ली जाती है, ये बात अभी पता चलनी बाकी है। जो भी होगा वो आपके बीच लेकर जरूर हाजिर होंगे, क्योंकि फिलहाल तो ये खबर यहीं तक थी। फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।